अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन किया है और आपका जो आवेदन स्टेटस है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वहां पर लिखा हुआ आ रहा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल सब लिस्ट एंड ब्लॉक, तो ऐसा अगर आपका जो स्टेटस है वहां पर शो कर रहा है तो आपको कुछ एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है, आपको इसको ठीक करवाना होगा। कैसे ठीक करवाना है इसके लिए दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया कंटेंट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब जानते हैं कि अगर आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का नया आवेदन है उसका जो स्टेटस है वहां पर पेंडिंग बता रहा है, जो सब डिस्ट है यानी कि जो आपकी तहसील है या फिर ब्लॉक से, तो उसको आपको ठीक कैसे करवाना है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका जो भी पटवारी है उसके पास आपको जाना होगा और वहां से आपको आपकी जो खतौनी है जमाबंदी है उसकी आपको एक सत्यापित प्रतिलिपि लेनी होगी। तो आप अपनी जमीन की जो सत्यापित प्रतिलिपि है वहां से प्राप्त करने के बाद आपको इसके साथ और भी डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। तो उसका जो दूसरा डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका आधार कार्ड, उसको आपको सेल्फ सत्यापित करवाना है यानी कि आपको खुद से साइन करना है। और उसके बाद जो आपका जो भी स्क्रीनशॉट होगा जो पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस है उसका आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है और उस स्क्रीनशॉट को आपको प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद उसको भी आपको सेल्फ सत्यापित करना है यानी कि अपने साइन करने हैं और इन सबको आपको अपने तहसील कार्यालय में जमा करवाना है जहां पर जो पीएम किसान सम्मान निधि के आवेदन है उनको देखा जाता है, वहां पर आपको इनको लेकर जमा करवाना होगा। जैसे ही आप वहां पर अपने दस्तावेज जमा करवा देते हैं तो आपका ये जो स्टेटस है अप्रूवल पेंडिंग बाय सब्डिस्ट एंड ब्लॉक, तो ये आपका यहाँ से 10 से 15 दिन के भीतर अप्रूव हो जाता है। और जैसे ये अप्रूव हो जाता है उसके बाद जो आगे के लेवल है आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके बाद आप का जो स्टेट है उससे यहाँ पर ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है, उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपका फिर भी आपको किस्त नहीं आती है, आपके पैसे नहीं आते हैं, तो आपको ई केवाईसी भी करवाना होगा और आपका जो पेमेंट है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपका भी पेंडिंग फॉर अप्रूवल सब्डिस्ट एंड ब्लॉक है तो आपको सबसे पहले ये काम करना होगा, आपकी जो जमाबंदी है उसको और उसके जो साथ जो आपका स्क्रीनशॉट और आधार कार्ड अपने तहसील कार्यालय में जरूर से जमा करवा ली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।